आफ्टरनून टू ऑल। देखिए हमारा आज का टॉपिक है भाषा की परिभाषा, प्रकृति, विशेषता और महत्व। पेपर फोर्थ ए यूनिट वन। ये देखिए किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, भाषा की परिभाषा लिखिए, भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मतलब भाषा का महत्व। पाठ्यक्रम में भाषा से आप क्या समझते हैं तथा पाठ्यक्रम की भाषा का, भाषा उपागम की आवश्यकता। ठीक है, ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे लिखा है 16 नंबर का क्वेश्चन है, 40 नंबर का पेपर होता है आपका, ये 16-16 नंबर के दो बड़े क्वेश्चन और दो दो नंबर के दो छोटे क्वेश्चन आते हैं। 16 नंबर में आया हुआ ये क्वेश्चन देखिए, 2, 4, 4, 6 ये लिखा है, यहाँ पे ये नंबर दिए गए हैं, तो इसका मतलब है भाषा की परिभाषा आपको इतनी लिखनी है कि दो नंबर में ही, ठीक है, 5 या 7 लाइनें, ठीक है, और इसके बाद भाषा का महत्व इतना लिखना है कि 4 नंबर का, और फिर पाठ्यक्रम में भाषा से आप क्या समझते हैं 4 नंबर, और पाठ्यक्रम में भाषा उपागम की आवश्यकता तो ये 6 नंबर, टोटल 16। इस तरह से क्वेश्चन लिखना है आपको, ये जानेंगे उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, मतलब जिन ध्वनि संकेतों से हम अपने विचार, ठीक है, विचारों हाव भाव को, मतलब विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के बातों को समझते हैं, या यांत्रिकृत रूढ़ ध्वनि संकेतों की प्रणाली को भाषा कहते हैं। ठीक है, उन सभी संकेतों को कहते हैं भाषा। ये देखिए यह 3 बातें विचारणीय है, सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं, यह संकेत स्पष्ट होने चाहिए, मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, जो मनुष्य के विचार है, मतलब मनोभाव क्या है, विचार है जो, उनको भाषा के द्वारा हम एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। भाषा यांत्रिकृत संकेत है, यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता, बिल्ली को, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है यह बताना कठिन है, इनकी ध्वनियों को समाज में स्वीकार कर लिया जाता है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं, परंपरा तथा युगों से इसके प्रयोग होते आए हैं। देखिए ये आपकी बुक में भी काफी अच्छी दी गई है इसकी परिभाषा भाषा की, वहां से हम देखेंगे। मेन है भाषा का अर्थ, ये देखिए आपका वहां पे 2 नंबर का दिया हुआ है, तो इतनी ही आपकी इनफ है, इतना आप लिख देते हो तो 2 नंबर। भाषा से अभिप्राय है एक ऐसा संकाय जो लोगों की सूचना को शाब्दिक रूप में एक दूसरे के साथ साझा करने में सहायता करता है, हमारे विचारों को एक दूसरे, जिसके द्वारा हम अपने, इसकी सरल परिभाषा बताती हूँ, जिन संकेतों या जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो क्या है, भाषा है। दूसरे शब्दों में भाषा लोगों की एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करने में सहायता करती है, विचारों का आदान प्रदान भाषा को लिखकर, जो विचारों का आदान प्रदान हम करते हैं वह किसके द्वारा करते हैं, लिखकर, बोलकर, गाकर, महसूस करके, मतलब महसूस कौन सी, किस द्वारा किया जाता है, ब्रेल लिपि द्वारा करके कर सकता है। किसी भी भाषा को लोगों को एक विशिष्ट विशिष्ट समूह के द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसलिए संसार में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। ये है कुछ अलग अलग परिभाषाएं। ब्लोच तथा ट्रैगर के द्वारा भाषा मनमाने ध्वनि प्रतीकों की एक प्रणाली है जिसके माध्यम से एक सामाजिक समूह सहयोग करता है। ठीक है, जेस्परसन के द्वारा भाषा मानवीय आदतों का समूह है जिसका उद्देश्य मानवीय विचारों और भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करना है। ठीक है, साझा करना मतलब शेयर करना है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है, संप्रेषण मींस कम्युनिकेशन का, अपने आचारों विचारों को एक दूसरे को उनको बताने के लिए जिस साधन का हम उपयोग करते हैं वो क्या है, कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का माध्यम है, और संप्रेषण हमेशा सामाजिक संदर्भ में होता है, इसलिए प्रभावी संप्रेषण के लिए भाषा और इसके बोलने वाले लोगों के बीच संबंध का ज्ञान होना आवश्यक है।
ये संबंध बहुत ही जटिल होते हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि दोस्तों के साथ किस प्रकार बिगड़ी हुई भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अधिकारियों के साथ औपचारिक भाषा के, जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा नियम के साथ नहीं बोलते हैं, ठीक है, वहीं पे हम जैसे ऑफिस में औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतना काफी है, इतनी ये एक दो परिभाषा याद रख लो ये भाषा की का अर्थ, ठीक है। फिर जानेंगे भाषा की प्रकृति। भाषा का उपयोग संप्रेषण तथा अन्य क्रिया के लिए होता है। भाषा एवं परंपरा आधारित तंत्र है। समुदाय के सदस्यों ने संप्रेषण एवं अन्य क्रिया के लिए जो तंत्र विकसित किया है वह परंपराओं पर आधारित है। भाषा में वाचिक ध्वनि या संकेतों के रूप में उपयोग किया जाता है। वाचक ध्वनि मतलब बोलकर या संकेतों के रूप में, वाचक होता है बोलना, संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है। भाषा मातृभाषा सीखते समय बालक को ध्वनि विशेष का ध्यान रखना होता है। भाषा सीखने की आयु में बालक किसी भी भाषा की ध्वनियों का उच्चारण सीख सकता है। किसी एक प्राणी या वस्तु के लिए अलग अलग भाषाओं में अलग शब्दों का उपयोग होता है। बिल्कुल, हम अपनी भाषा में जैसे किसी चीज को, कोई भी हमारे अलग अलग मीनिंग होते हैं, या फिर एक ही शब्द के हम अपने हिंदी में किसी चीज को कुछ बोलते हैं, पर दूसरी भाषा में उसी चीज को कुछ और बोला जाता है, तो ये क्या है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों का उपयोग होता है। ये देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे उदाहरणार्थ, जैसे हिंदी में हाथी बोला जाता है, तो उसी को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, एलिफेंट। बालक में भाषा अर्जन की नैसर्गिक क्षमता होती है। भाषा अर्जन आपको बताया था, जैसा हमारे आसपास का वातावरण है वहां से, जैसे बच्चा परिवार से जो भी कुछ सीख लेता है, उसको स्पेशल कोई क्लास नहीं दी जाती, ठीक है, कुछ नियम नहीं होते कि इस टाइम आपको ये शब्द दो चार शब्द सीखने हैं, वो जैसे भी उसके पेरेंट्स बोलते हैं, उसके आसपास का वातावरण जैसा होता है, वहां से जो अर्जन जो सीखता है उसको अर्जन बोलते हैं, ठीक है, अर्जन कर लेता है। इसमें माला पिरोए हुए फूलों के समान शब्दों की श्रृंखला नहीं होती, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो उसके लिए हम पहले उनको सीखना शुरू, एक एक वर्ड को सीखना शुरू करेंगे, इस तरह का कोई नियम नहीं होता अर्जन में, वो अधिगम होता है। अगर हम इस तरह से सीखते हैं कोई भाषा, स्पेनिश, ब्रिटिश, इस तरह से उर्दू, तो वो क्या होगा, उसको बोलते हैं अधिगम करना, सीखना। बालक की अवस्था जब एक वर्ष की होती है तब बोलना शुरू करता है, और 3 वर्ष की आयु तक 4-5 शब्दों के व्याकरण संबंध वाक्यों का उपयोग करने लगता है। 4 वर्ष की आयु के बाद उसकी अपनी भाषा के लिखित उपयोग वाले मिश्रित वाक्यों की संरचना करने लगता है। बिल्कुल भाई, 3 साल का बच्चा स्कूल जाने लग जाता है तो अब कब इस तरह से शब्द लिखने लग जाता है। 6 वर्ष की आयु तक अभिव्यक्ति की क्षमता 100% होने लगती है। जब बच्चा 6 वर्ष तक की आयु में आता है तो वो क्या है, अपने आचार विचारों को अभिव्यक्त करने लगता है, दूसरों के सामने उन बातों को बोलना, दूसरों की बातों को सुनना, ये सब चीजें करने लग जाता है। विशेषताएं क्या है भाषा की विशेषताएं देखेंगे। भाषा की विशेषता या लक्षण कह सकते हैं, भाषा प्रकृति को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। भाषा की प्रथम प्रकृति वह है जो सभी भाषाओं के लिए मान्य होती है, इसे भाषा की सर्वमान्य प्रकृति कह सकते हैं। द्वितीय प्रकृति वह है जो भाषा विशेष में पाई जाती है, इसमें एक भाषा से दूसरी भाषा की भिन्नता स्पष्ट होती है। हम जैसे विशिष्ट भाषागत प्रकृति कह सकते हैं, यहाँ मुख्यतः ऐसी प्रकृति के विषय में विचार किया जा रहा है जो विश्व की समस्त भाषाओं में पाई जाती है। ये देखिए, जैसे भाषा सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, कि ये नहीं है कि कोई ये कहे कि हिंदी तो भाई मैं ही बोलूंगा, आप नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्जित संपत्ति भी है, कोई भी अगर हम किसी दूसरे देश में जाए, वहां पर जैसे वो बोला जाता है, उनके अगर हम शब्दों को जान ले, ट्रांसलेट कर ले, पहचान ले के इस शब्द का अर्थ ये, तो हम अर्जित करने लग जाते हैं, ठीक है। कोई सिखाए ना तो भी हमें ये पता चल जाता है भाई यहाँ पे तो इस फल को इस नाम से जाना जाता है, इस हमारे बॉडी पार्ट्स को ये, हम जैसे किसी चीज को कुछ बोलते हैं तो वहां पे उस चीज को किसी और नाम से बोला जाता है, तो वो हम धीरे धीरे अर्जन करना शुरू कर देते हैं। भाषा व्यवहार, भाषा सामाजिक स्तर पर आधारित होती है।
भाषा सर्वव्यापक है, भाषा सतत प्रवाहमयी है, भाषा संप्रेषण मूलतः वाचक है, बिल्कुल संप्रेषण का एक साधन है जिसको हम बोलकर दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। भाषा चिर परिवर्तनशील है, भाषा का प्रारंभिक रूप उच्चरित होता है, भाषा का आरंभ वाक्य से हुआ है, बिल्कुल। भाषा मानवीकरण पर आधारित होती है, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर बढ़ती है, भाषा का अंतिम रूप नहीं है, भाषा का प्रवाह कठिन से सरल की ओर होता है। कठिन से सरल की ओर क्यों कहा गया? भी एक तरह से जब हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो हमें कठिन लगती है, और धीरे धीरे जब हम उन शब्दों को जानना शुरू कर देते हैं, उनके मीनिंग्स को पहचानना शुरू कर देते हैं, तो वो सरल होना शुरू हो जाता है। भाषा नैसर्गिक क्रिया है, भाषा की निश्चित सीमाएं होती है। भाषा का महत्व तो जानेंगे, आप अपनी बुक में से भी देख लेना, अगर पीडीएफ में से आपको ये लगे कि भाई ज्यादा टफ दिया गया है या कोई ऐसे वर्ड दिए गए हैं, शब्द जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आप अपनी बुक में से देख लेना। बुक में से मैंने देखा था, काफी अच्छा दी, अच्छी दी गई है ये वाला टॉपिक, काफी ठीक है उसमें। भाषा का महत्व तो देखेंगे, भाषा मनुष्य को अन्य पशु से अलग करती है। पशु केवल वर्तमान की घटना अथवा आवश्यकता की अभिव्यक्ति के लिए संप्रेषण का उपयोग करते हैं, मनुष्य अपने वर्तमान की नहीं। क्या है भाई, अगर जानवर को भूख लगेगी तो वो चिल्लाना शुरू कर देगा, बोलना जैसे भी वो करता है, कुत्ता है भौंकना शुरू कर देगा, भैंस है रंभाना शुरू कर देगी, तो वो क्या है, उससे हम समझ जाते हैं भाई उसको भूख लगी है, वो वर्तमान की अभिव्यक्ति करते हैं जो उसको उस टाइम फील होता है, बस सिर्फ इतना। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य अपने अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, पहले की बातें बता सकता है, कल की बात बता सकता है, तो वो क्या है, मनुष्य को अलग करती है। मनुष्य अपने वर्तमान की ही नहीं वर्तमान भूतकाल की घटना, बिल्कुल पहले की घटनाओं को याद कर सकता है, करके बता सकता है, घटना और भविष्य की संभावित घटनाओं का संप्रेषण भाषा के माध्यम से करता है। ठीक है, ये इसका मतलब यही था कि मनुष्य इस वजह से अलग कहलाता है, क्योंकि पशुओं में सिर्फ इतना है कि उनको उस टाइम क्या फील हो रहा है, दर्द फील हो रहा है, ठीक है, एट ए टाइम भूख लगी है तो वो झिल्लाना शुरू कर देंगे, सिर्फ इतना ही होता है, बोलकर तो नहीं बता सकते। आज से हजारों वर्ष पहले पशुओं की अनेक प्रजातियों एवं मनुष्य ने समूह में रहना शुरू किया। भाषा मनुष्य को अन्य पशुओं से अलग करती है। भाषा का समुदाय की परंपरा एवं संस्कृति की निरंतरता बनाए रखने का साधन है। अपने पूर्वजों की जीवनचर्या, उसकी सामाजिक परंपरा आदि की जानकारी आज भी हमें मिलती है। भाषा ही चिंतन व मनन का माध्यम है, बिल्कुल भी भाषा के द्वारा ही हम अपने फीलिंग्स को किसी से बता सकते हैं, सोच सकते हैं, जो हम सोच रहे हैं उसको व्यक्त किस तरह से करते हैं, भाषा के द्वारा करते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम में भाषा की अवधारणा देखिए, पाठ्यक्रम में भाषा का क्या रोल है। पाठ्यक्रम के तहत भाषा की अवधारणा से प्राय स्कूल के सभी विषयों को भाषा के विषय के रूप में पढ़ाना, जैसे हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होती है हमारे ग्रेजुएशन तक। पाठ्यक्रम के तहत भाषा एक प्रकार का पाठ्यक्रम उपागम है जो संपूर्ण पाठ्यक्रम के माध्यम से भाषा के विकास पर बल देता है। इसके अंतर्गत भाषा का विकास केवल भाषा शिक्षक का ही कार्य नहीं, बल्कि मतलब भाषा शिक्षक का कार्य एक लैंग्वेज टीचर है, हिंदी इंग्लिश इनका ही कार्य नहीं होता, बल्कि सभी विषयों के शिक्षकों का कार्य होता है। जैसे स्कूल में हम बोलते हैं कि भी स्कूल में हिंदी बोलना कंपलसरी है, हिंदी बोलोगे आप अपने घर की भाषा का यूज नहीं कर सकते, हरियाणा से हो तो आप हरियाणवी नहीं बोल सकते, हिंदी भाषा का यूज कीजिए। और ये सभी का उत्तरदायित्व तो बनता है, ये नहीं कि सिर्फ आपको एक हिंदी का टीचर है वो ही, इंग्लिश का टीचर है वो ही आपको इसके लिए प्रेशराइज करेगा या फिर कहेगा कि आप इस हिंदी का या इंग्लिश का यूज करो, ये हमारा सभी का उत्तरदायित्व तो बनता है, बल्कि सभी विषयों के शिक्षकों का कार्य है, क्योंकि भाषा ही सभी विषयों के ज्ञान का माध्यम है। बिल्कुल, अगर हम कोई भी विषय है, साइंस है, मैथ है, उनका संप्रेषण किसके माध्यम से करेंगे, भाषा के माध्यम से करेंगे, तो हमारा क्या उत्तरदायित्व है सबका, क्योंकि बच्चों को भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। भाषा का अधिगम में अहम स्थान है, अधिगम में वही सीखने में बहुत स्थान है। प्राथमिक स्तर पर विषय चाहे जो भी हो, उसके संपर्कों का निर्माण भाषा के माध्यम से होता है। बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश मैथ ये होते हैं प्राथमिक स्तर पर उनका क्या है, संपर्क क्या है, भाषा के माध्यम से हम करते हैं।
भाषा के माध्यम से ही नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ पाते हैं। बोलने और लिखने के माध्यम से भाषा चिंतन प्रक्रिया में जुड़ जाती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं लिखते हैं उसी के माध्यम से हम चिंतन कर सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न विषयों जैसे सामाजिक, गणित, विज्ञान आदि विषयों में जो भी कुछ नया सीखा जाता है वह भाषा के माध्यम से ही सीखा जाता है। विभिन्न संपर्कों को बालक जिस प्रकार से समझते हैं, जो उनके कंसेप्ट होते हैं, जिस तरह से समझते हैं, वो किसके माध्यम से समझते हैं, वही भाषा के माध्यम से, या उन विषयों में प्रयोग की गई भाषा पर निर्भर करते हैं। जैसे पाठ्यक्रम के तहत भाषा की अवधारणा मुख्य रूप से तीन सिद्धांतों पर आधारित है। भाषा का विकास व इसके उद्देश्यपूर्ण प्रयोग में संभव है। अधिगम भाषा के माध्यम से बोलकर या लिखकर होता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास में अहम है। संज्ञानात्मक विकास क्या है भाई? हमारी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, हमारा सोच विचार करने की जो क्षमता है, उसमें क्या है, अहम भूमिका है। इसलिए स्कूल को बच्चों के लिए इस प्रकार का वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे भाषा का प्रयोग करते हुए अवधारणाओं का निर्माण कर सके, सोच समझ का निर्माण कर सके, समस्याओं का समाधान कर सके, सूचना को नियोजित कर सके। इन सब के लिए कहने का मतलब ये है, भाई बच्चों की सोचने समझने की क्षमता, स्मरण क्षमता, सोच विचार करने की, किसी चीज को याद रखने की क्षमता, सभी कल्पनाओं का निर्माण करने की क्षमता, सभी किस पर निर्भर है भाई? भाषा पर। तो भाषा का विकास अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, बच्चे के अंदर। भाषा के माध्यम से विभिन्न अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए। उनको अधिक से अधिक प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। जैसे एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए, भाषण वगैरह में, ठीक है, अपने विचारों को जिसमें बच्चा अभिव्यक्त कर सके। स्कूल मुखियाओं को चाहिए कि सभी शिक्षकों को स्कूल की एक भाषा नीति बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। बच्चों को विभिन्न विषयों के बारे में चर्चा करने के अवसर उपलब्ध कराए जाए, चर्चा करने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाए, मतलब कि उनकी भाषा का विकास किया जाए, विकास हो सके, ताकि इससे शिक्षक विभिन्न विषयों में बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में समझ सकते हैं और उनकी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार रटने की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है, रोट लर्निंग को क्या किया जा सकता है भाई, कम किया जा सकता है। लेकिन स्कूल की भाषा नीति बनने में कुछ कठिनाइयां आ सकती है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि पाठ्यक्रम के सभी विषयों में एक सामान्य भाषा नीति बनाने के लिए सभी शिक्षक समान रूप से सहमत नहीं होते, ठीक है। सबसे पहले शिक्षकों के दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। ये आपके देखिए छोटे क्वेश्चन हैं कुछ। जिस तरह से हम शब्दों की ध्वनि बनाते हैं उसे डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उच्चारण। प्रोनंसिएशन। किस सामग्री का उपयोग सुनने के लिए किया जा सकता है? गीत का, रेडियो का, बातचीत का, ये सभी। निम्नलिखित में कौन एक प्रकार का भाषा संकेत है? शब्द प्रणाली, वाक्य की बनावट, ध्वनि प्रणाली, ये इनमें से कोई नहीं है भाई। शब्द प्रणाली, वाक्य की बनावट, ये क्या है? संकेत की, संकेत नहीं है ये। ये अपनी बुक में से आप देख लेना एक बार, बुक में अच्छे पॉइंट दिए हुए हैं।